हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज मिलके बनाते हैं लेफ्ट ओवर दाल के लच्छा पराठे। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 बाउल आटा, और ये मेरे पास लेफ्ट ओवर दाल है जो मिक्स दाल थी, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। देखिए ऑलरेडी इसमें सारे मसाले हैं, बट हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे नमक एडजस्ट करने के लिए आटे के साथ। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हमने ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पे ऐड करूँ थोड़ा रोस्ट किए हुए क्यूमिन सीड, ज़ीरा। थोड़ा और फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चॉप ग्रीन चिलीज, जितनी आपको स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से। थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, ये देखिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ ऑनियन, मैंने एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है चॉप करके, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, एक छोटा चम्मच। थोड़ा सा अजवाइन सीड्स, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। तो ये सब हो चुका है, उसको हम सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, जो हमारी दाल है उसके साथ ही हमने अच्छे से आटे को गूंद लेना है। एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, जिस तरीके से हम पराठे के लिए या रोटी के लिए तैयार करते हैं, तो इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेना है। और फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए एक डो तैयार कर लेना है, ये देखिए। तो ये हमारा डो जो है बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल हम लगाएंगे और इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट्स के बाद चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक स्मॉल मीडियम साइज़ का मैंने बॉल ले लिया है आटे का, और इस तरीके से इसमें फ्लावर डस्ट लगाते हुए हमने इसको थोड़ा सा फ्लैटन करना है हाथों की सहायता से, और फिर रोलर के हेल्प से हमने इसका एक गोल चपाती बना लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑयल, घी भी आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूँगी आटा, और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे हम। आप चाहें तो किसी भी शेप के ये बना सकते हैं, लच्छा बना सकते हैं, चाहें तो त्रिकोण पराठा बना सकते हैं, या स्क्वायर में बना सकते हैं, या राउंड भी बना सकते हैं, जैसे आपको चाहिए हो। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको रोल कर देंगे और फ्लैटन कर देंगे। तो ये लच्छा पराठे के लिए बनके तैयार हो गया है। अब हमने इसमें लगा देना है जो हमारा फ्लावर डस्ट है, और फिर हमने इसको रोलर की हेल्प से रोल कर लेना है, ये देखिए। तो अब इसमें को हम ऐड कर देंगे गरम तवा पे, तवा गरम होना चाहिए, और अच्छे से हमने दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद हमने इसमें ऑयलिंग करनी है दोनों साइड से, और जब तक अच्छे से गोल्डन कलर होने तक हमने इसको पकाना है। तो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पका लेना है। तो मैंने इस तरीके से लच्छा पराठा बनाया। आप चाहें तो त्रिकोण पराठा भी बना सकते हैं, चकोर पराठा भी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी रहते हैं। ये देखिए ये हो चुका है, अच्छे से पक चुका है, दोनों साइड से कलर भी अच्छे से आ चुका है। तो इसी तरीके से हमने हमारे सारे पराठे हमारे तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए ये हमारे गर्मा गर्म जो है दाल के लच्छा पराठे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट। और मैंने यहाँ पे इसको सर्व करा है चटनी के साथ, तो मैंने मैंगो पीनट की चटनी बनाई थी, उसके साथ मैंने सर्व करा है। तो ये आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट ये बनके तैयार हुए हैं, फ्लेक्स भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं ओपन हो रहे हैं। तो अब आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू सून विद अनदर रेसिपी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, and please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for the notifications of new video. Thank you once again.